अच्छा अभियान चलाएं, जनता के बीच जाएं, हिसाब किताब दें, बोले कि 15 लाख क्यों नहीं दिया, काला धन क्यों नहीं लाया, हर साल 2 करोड़ लोगों को, नौजवान लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिया, नौकरी देने की तो छोड़े, जिनको नौकरी था वो भी छीन लिया, ये भी बताए कि देश की संपत्ति को क्यों बेच रहे हैं, ये बताए लोकतंत्र को क्यों खत्म कर रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थानों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, ये काम बताए, बताए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे, विशेष पैकेज क्यों नहीं दे रहे, यही आ रहा है, यही प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी, बोली लगाई थी बिहार की, क्या हुआ उसका, तो हिसाब तो देना पड़ेगा, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता जवाब दे रही है। 6 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं अमित साहब, 6 महीने के अंदर 5वीं बार बिहार आ रहे हैं, ऐसे एजेंडा क्या रहेगा भाजपा का? घबराहट है, घबराहट में आ रहे हैं, और क्या क्या काम करने का प्रयास कर रहे हैं हम सब लोग जान रहे हैं, चौकन्ने हैं हम लोग, तो वो कितने बार भी आए इससे क्या फर्क पड़ता है, 14 से मोदी जी हो, अमित शाह हो, कितने केंद्रीय मंत्री कितने बार बिहार आए, जब ये सत्ता में थे लगभग आप समझिए कि 10 साल डबल इंजन की राज रहा, और लगभग कितना साल से ये लोग राज्य के सरकार में थे, क्या काम किए इन्होंने? हाजीपुर में 6 लड़का घर से जबरन नाबालिग को उठा कर ले गए हैं और उनके साथ गैंग रेप किए हैं, गैंग रेप उनके साथ किया गया हाजीपुर में, जबरन घर से उठा कर ले गया गया है। हमको इस मामले की जानकारी नहीं है, लेकिन अब जो भी दोषी होंगे उस पर सख्त कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने वाले जो विपक्षी दल है वो 12 तारीख को जिसका नेतृत्व जदयू कर रहा है, इसमें कई पार्टी भी शामिल होंगी, तो ऐसे में क्या राय है भाई? हम लोग जब एक हुए तो हम लोग तो बताए थे कि हम लोगों का प्रयास रहेगा, लालू जी का, नीतीश जी का, कि सब लोगों को गोलबंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, तो हम लोग कर ही रहे, वही काम बंद होने वाला है। लाया क्यों गया था, लाया कौन, बंद कौन कर रहा है, सवाल का जवाब तो उनको देना चाहिए।